हेलो गाइस, तो चलिए चलते हैं अपने औसत के पहले सूत्र पर। प्रथम यानि प्राकृतिक संख्या का योग और औसत। योग होता है 1/2 यानि एन प्लस वन, औसत होता है 1/2 एन प्लस वन। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हर एक सूत्र पर हम लोग हर एक वीडियो में एक एक सूत्र का क्वेश्चन करते चलेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, यहाँ पर 20 प्राकृतिक संख्या दिया होगी प्रथम। ठीक है, मतलब n बराबर हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, n बराबर हमारा हो जाएगा 20। अब हम औसत वाले सूत्र में इसका मान रखेंगे, 1/2 कोष्टक में n प्लस वन। एन बराबर 20 हमारा है, तो 1/2 20 प्लस वन क्या हो जाएगा, 1/2। अब 20 एक 21 हो जाएगा, तो 1/2 है, मतलब 21/2 आंसर आ जाएगा 10.5। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत। ठीक है, अगर सूत्र याद हो गया होगा तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, 100 है तो एक जोड़ देंगे 101/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पूरी तरह से आपको बताएंगे। तो 1/2 एन प्लस वन सूत्र होता है, तो 1/2 एन दिया है 100 प्लस वन, तो हो जाएगा 101, 101/2। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50.5। ये हो गया हमारा औसत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 100 घन पूर्णांक का औसत। घन पूर्णांक कोई मतलब, जैसे प्रथम प्राकृतिक संख्या देता है तो घन पूर्णांक है तो 1, 2, 3 से चालू होता है, और 100 तक दिया है तो n बराबर हो गया 100। सूत्र में रख देंगे इसका मान, 100 प्लस 1/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50.5। ठीक है,